मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद अब सीएम पद के लिए घमासान मचा हुआ है। क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री या फिर आदित्य ठाकरे होंगे? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को बहुमत मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री पद और 50-50 का फार्मूला, ये दो ऐसे पेच हैं जिनसे गठबंधन पर सस्पेंस बना हुआ है। 24 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद और 50-50 के फार्मूले पर बीजेपी को जो संकेत दिए थे, उसको शिवसेना के नेताओं ने जमकर हवा दी और नतीजों के बाद आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाले पोस्टर भी सामने आ गए। मुंबई के वर्ली समेत कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए जिनमें आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री और फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र बताया गया। शिवसेना के विधायक खुलेआम मांग कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को सीएम बनाया जाए और सरकार बनाने में भी 50-50 का फार्मूला अपनाया जाए। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शिवसेना ने सरकार में बराबरी को लेकर कड़े तेवर अपनाए हैं। शिवसेना के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट के जरिए कार्टून शेयर कर कई संकेत दिया है। इस कार्टून में एक शेर जो पंजे में कमल का फूल पकड़ रखा है तो गले में घड़ी लटका रखी है। शेर को शिवसेना की पहचान माना जाता है, कमल को बीजेपी का इलेक्शन सिंबल, तो वहीं घड़ी एनसीपी का चुनाव चिन्ह। यानी इस कार्टून से ये बताने की कोशिश की गई है, अगर कमल के फूल से बात नहीं बनी तो शिवसेना के पास घड़ी है, यानी शरद पवार के पार्टी के साथ जाने का विकल्प है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी की राहें अब आसान नहीं है। 50-50 के बंटवारे में भी सीएम की कुर्सी किसके पास जाएगी और कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस या फिर आदित्य ठाकरे, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।